आज हम आपको ये बताएंगे कि दुनिया में जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि वो असफल है, वो वास्तव में सफल है। सिर्फ अपनी सोच को उसने बदलना है। जिस समय आप अपनी सोच को बदल लोगे, आप भी जिंदगी में सफल हो जाओगे। मैं आपको एक एक करके इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हो। मान लो कि आप बीमार हुए और 3 या 4 दिन आपको 102 या 103 का बुखार हुआ, आपका वजन कुछ कम हो गया, तो अब आप बहुत ही हेल्थी हो। तो वो दिन काउंट कीजिए जिस दिन आपको बुखार हुआ था। आप ना तो भोजन कर सकते थे, ना पानी पी सकते थे अच्छी तरह से, ना कहीं जा सकते थे, ना रात को आपको नींद आती थी। कितना कष्टदायक जीवन था। तो वो कष्टदायक जीवन आज आपको नहीं है। क्या यह खुशी की बात नहीं है? क्या यह आपकी सक्सेस नहीं है कि आप हेल्थी हो, स्वस्थ हो? बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, ना वो कोई काम कर सकते हैं, 6-6 महीने वो सिर्फ बेड के ऊपर बैठते हैं। आप बेड के ऊपर नहीं बैठते, आप चल सकते हो, भाग सकते हो, नाच सकते हो, 2 हाथ हैं इसको हिला सकते हो। ये आपकी खुशी का एक पैमाना होना चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए कि आप कितने जिंदगी में सफल हो। ऐसे ही आप वो दिन याद कीजिए, मान लो आपको बिजनेस में घाटा हो गया, आपको मान लो 10 लाख का घाटा हुआ, पर वो दिन याद कीजिए जब आपके पास 1 रुपया भी नहीं था। आज वो स्थिति से आप अच्छे हो, तो यह आपकी सक्सेस है। घाटे चलते रहते हैं जिंदगी में, घाटे चलते रहते हैं, पर जो आपकी सफलता है, आप पीछे से कंपेयर कीजिए, 0 से कंपेयर कीजिए, जब आपका जन्म हुआ, जब आप बच्चे थे, जब आप 1 रुपया भी नहीं कमाते थे। आज आपका चाहे 10 लाख का घाटा हुआ, आपने कमाया था तो ही घाटा हुआ है। मैं कहता हूं आपका 20 लाख का घाटा हो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोचिए कि आप उस स्थिति से अच्छे हो तो आप जिंदगी में सफल होंगे। अपने आप को पॉजिटिव बनाइए। जिंदगी में जो व्यक्ति अपने आप को पॉजिटिव बनाता है वो जिंदगी में सफल होता है। हर दिन आपकी सोच पॉजिटिव चलनी चाहिए। आप हमेशा ही अपने इस समय को खुशहाल बनाने का यत्न कीजिए। मुझे खुशी है कि मैं ये जो समय है बहुत ही अच्छा बिता रहा हूं। ऐसी सोच आपको ऊपर लेके जाएगी। आप जिंदगी में ऑलरेडी ही सक्सेसफुल हो। आपने सिर्फ अपने आप को सोचना है, अपने आप अपने विचारों को बदलना है। आपने कोई महान हस्ती नहीं बनना, आपने कुछ बहुत बड़ा सीखना नहीं है, सिर्फ एक सोच को आपने बदलना है कि मैंने भाई इस तरह से सोचना है। आज का दिन, आज का यह समय, आज का यह सेकंड सिर्फ इस अच्छी सोच के साथ चलना चाहिए कि मैं हमेशा ही अच्छे कामों में अपना समय लगाऊंगा। मैं जो कुछ भी हूँ बहुत ही अच्छा हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ और मैंने इसको और आगे बढ़ाना है। आपको कोई भाषा नहीं आती, उसको सीखने के लिए समय लगाइए। इंस्टेड कि हम सोचें कि यार नहीं यार हमें तो कोई गवर्नमेंट जॉब तो मिल ही नहीं सकती। आप मान लो 5 साल से गैप में हो आपकी स्टडी से, तो भी कोई घबराने वाली चीज नहीं है। अगर आपने पूरा मन का कंसंट्रेशन पॉजिटिव वे से किया है तो आपको भाषा भी आएगी, आपको विज्ञान भी आएगा, आपको मैथ भी आएगा, और देखोगे कि आपका टेस्ट, आपका इंटरव्यू, आपकी गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में होगी। तो ऐसे ही अपने मन को सफलता की सीढ़ियों पे लेके आइए। मान लो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, ना मान लो आपको प्राइवेट जॉब भी नहीं मिली, तो भी मत घबराइए। बिजनेस आपके हाथ में है, कोई भी बिजनेस कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, लोगों को सुख सुविधाएं और अच्छाइयां दीजिए, आप अपने बिजनेस में भी सफल होंगे। आप अपने घर से, अपने रूम से, अपने गांव से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सफलता के लिए आपका पॉजिटिव वे होना आवश्यक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।